made a film with a lot of heart and passion. मैं आज अक्षय कुमार जी और शाह साहब सोनाली जी उपाध्याय जी मैं खुद इनके पास आया और जब मूवी मैंने देखी तो शायद बम्बों और गोलियों से मैं कभी आंखों में मेरे आंसू नहीं आए. मेरे शरीर में पूरा लोहा भरा हुआ है, लोहे की प्लेट से. मेरे आंखों में कभी आंसू नहीं आए, दर्द से कभी आंसू नहीं आए. पर उस दिन जो अक्षय कुमार जी का, सोनाली जी का जो रोल देखा, जो सबने मेहनत की, मैं अपने आंखों में आंसुओं को रोक नहीं पाया. मुझे कम से कम जिंदगी के 35 साल हो गए टेररिज्म के खिलाफ लड़ते हुए. बम, गोलियां, बुलेट, हॉस्पिटल, ऑपरेशन, पर मैंने जो ये देखा कि मैं चीफ मिनिस्टर भी बन सकता था, होम मिनिस्टर भी बन सकता था, मैं सब कुछ छोड़ दिया. मैंने कहा नहीं, जरूरी नहीं. जो अक्षय कुमार जी का एक रोल रहा कि शायद मैं एक फौज से जब वापस आऊंगा तो मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा. जैसे उन्होंने बॉम्बे के 26/11 के शहीदों का, करकरे जी का, सबका जो जिक्र किया कि जरूरी नहीं है कि हम फौज में जिम्मेदारी पे हैं तो तभी हमें जिम्मेदारी को निभानी, अगर हम छुट्टी पे हैं तो उस जिम्मेदारी को निभाना है. और ये हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया के अंदर ये सबको बताया गया, जिस जिस कंट्री में टेररिज्म है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो अमेरिका में है, हर व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि अगर सामने को देश के ऊपर मुसीबत है तो उसके लिए हमें सामने खड़े होना है. तो मैं भी उन्हीं चीजों को लेकर शुरू से सब चीजों को त्याग करके, मौत का कफन बांध करके, बार बार बम गोलियां खा करके, आज भी बोनस का शरीर है मेरा, जिंदगी बोनस की है, मैं फिर देश के लिए देने के लिए तैयार खड़ा हूं. तो मुझे यह चीज अच्छी लगी कि कम से कम हिंदुस्तान के अंदर किसी ने तो पहल की, किसी ने इस मूवी की तो पहल की. हमारी जिंदगी गुजर गई लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए. हम जाते फिर वापस मुड़ के आ जाते, फिर वहीं का वहीं खड़ा हो जाता, फिर दूसरी यूनिवर्सिटी कॉलेज में स्टूडेंट को लेक्चर देते, उसमें 20 तैयार होते, फिर वापस आ जाते. पर पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पैदा करना बड़ा मुश्किल काम है हमारे लिए, इतने बड़े देश में हर जगह पे जाना. पर एक ऐसी मूवी हॉलीडे, वो हर स्टूडेंट तक जाए, हर पब्लिक तक जाए, हर फौज के जवान तक जाए, हर CRPF CISF के जवान तक जाए, हर पुलिस तक जाए कि मेरा काम है, अगर मैं ड्यूटी पे नहीं हूं, मेरा काम है भारत माता की आजादी की रक्षा करना. या पूरे दुनिया के अंदर जो ग्लोबल टेररिज्म है, हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि मैं अपने जिम्मेदारी को संभालूं कि देश मेरा है, दुनिया मेरी है, मैं इस कर्तव्य को पूरा करूं. तो यहां से इतनी बड़ी प्रेरणा मिलती है. तो मैं बार बार नरेंद्र मोदी जी को भी मैंने लेटर लिखा है, उनके आसपास सब लोगों से बात भी की है, स्टेट गवर्नमेंट को भी लेटर लिखा है कि ये सिर्फ इनका काम नहीं है कि मूवी को बनाना, मेहनत करना, सरकारों का भी काम है. सबसे बड़ा काम है कि घर बैठे हुए हर व्यक्ति, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ हर स्टूडेंट इस मूवी को देखे, उसका टैक्स फ्री हो, और जो काम हमारी जिंदगियां गुजर जाएंगी, फिर जन्म लेंगे, फिर आएंगे, शायद उसको पूरा ना कर पाए, पर ऐसी मूवी अगर आती है तो मैं समझूंगा कि एक बहुत बड़ा देश का, बहुत बड़ा एक ग्लोबल टेररिज्म के ऊपर एक बहुत बड़ी मिसाल होगी. छोटे से लेके बड़े तक इस मूवी को देखे. तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जितनी भी आप मेहनत करके इस मूवी के लिए आप और पब्लिसिटी कर सकते हैं, वक्त थोड़ा है, उसको करें. ये कोई मूवी बहुत बनती है, उसमें पैसा कमाया जाता है, पर कई मूवी ऐसी होती हैं जैसे हॉलीडे है, जिसमें जिनका एक मकसद होता है कि हमारा मकसद देश है, हमारा मकसद है लोगों के अंदर, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज स्टूडेंट के अंदर, स्कूल के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करना. और मैं ये समझूंगा कि इस मूवी को देख करके जरूर एक नई जागृति, नई अवेयरनेस पैदा होगी. आज ही मैं सुबह एयरपोर्ट में मैं न्यूज़ सुन रहा था नरेंद्र मोदी जी की, आज पहला एक हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मैंने देखा है, नहीं तो हमें संघर्ष करना पड़ता था. उन्होंने ये आज कह दिया जो हम चाहते थे कि उनको मिलके कहें कि हिंदुस्तान के अंदर हर जवान CRPF, पंजाब पुलिस, बॉम्बे पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, फौज,
जो भी जवान आज तक शहीद हुए उनके परिवार को, हर परिवार को नौकरी होगी, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन होगी, ये जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। तो उसके साथ ये जो मूवी का एक ऐसे टाइम के ऊपर इस मूवी का लोगों के सामने आना, तो मैं समझूंगा एक सोने पे सुहागा है और एक और ये मजबूत स्थिति जो है हमारी इसमें पैदा होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं मैं उसके लिए हाजिर हूँ, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि ऐसी मूवी बार बार बने, ऐसी मूवी बार बार आए। आंदोलन बहुत होते हैं, बड़े लोगों ने आंदोलन किए, आंदोलन किसके लिए? अपने मफाद के लिए, अपने मकसद के लिए, कोई मंगिहाई के लिए हुआ, कोई टैक्स के लिए हुआ। पर जो लोग शहीद हो जाते हैं, जब टेररिज्म के खिलाफ हमारे इतने जवान शहीद हो जाते हैं, क्या कभी आंदोलन कोई सड़कों पे आया आज तक? नहीं, बिल्कुल सड़कों पे नहीं आया। पर वो हॉलीडे जो पिक्चर है, ये एक आंदोलन के रूप में सड़कों पे आई है, घर घर में पहुंचाने का काम किया है इन्होंने। उसके लिए हम आप सबका सहयोग चाहते हैं कि घर में बैठी हुई वो मेरी बहनें जिनके सुहाग उजड़ गए, जिन्होंने गोली बम खाते हुए शरीर के ऊपर अपना जीवन देश के लिए निछावर कर दिया, आज उनके बच्चे, आज उनकी पत्नियां जब ये मूवी को देखेंगी तो उनकी आंखों में आंसू जरूर होंगे कि आज अक्षय कुमार जी, आज सोनाली जी, आज उपाध्याय जी, आज शाह साहब, जिन्होंने एक बड़ी मेहनत का काम किया है, उनकी आत्मा को जरूर शांति मिलेगी जो हमारे जवान शहीद हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। बात होता है कि टैक्स फ्री करा जाए या नहीं करा जाए, क्योंकि जैसे आपने बताया फिल्म काफी देशभक्ति की बात करती है, देश के अच्छे होने की बात करती है, तो क्या रेस्पॉन्स मिला है पीएमओ ऑफिस से आपको अब तक? जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, हमें हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ के बहुत उम्मीद है, पर यह स्टेट गवर्नमेंट का काम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो तो सेंटर है, स्टेट गवर्नमेंट ने फैसला इसका लेना होता है। तो मैं समझता हूँ उनके पीआरओ डिपार्टमेंट हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अगर मेरे जैसा आदमी खुद आके यहाँ पे आके इनके पास हाजिर हो सकता है कि मैं आपके लिए हर जगह पे जाना चाहता हूँ, हम जोधपुर में गए, हम अमृतसर में फौज के कैंप में गए, तो उन एजेंसियों का काम और पीआरओ का काम भी होता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का काम होता है कि हम भी अपनी जिम्मेदारी को समझें। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, तो उनका भी फर्ज बनता है। तो मुझे उम्मीद है इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ होगा, और आप अगर थोड़ी मेहनत करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि इस मूवी का मकसद पैसा कमाना नहीं है, इसका मकसद एक ही है कि अवेयरनेस पैदा करना, और सरकारों को चाहिए कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारी को उठाएं। गुड आफ्टरनून अक्षय जी, ऑन योर लेफ्ट द बैक बेंच। गुड आफ्टरनून। Like Mr. Bitta said that he has written a letter to Modi. Probably earlier he did send about letters in regards to terrorism and all those things. I would request you that I heard you say that at comedy at Kapil, Kapil's comedy nights, that you needed everybody in one single person from every house to get into either into an army or into an anti-terrorist activity. Why don't you write a letter across to Mr. Modi and let Mr. Bitta run that organization, and you be the brand ambassador, and make a group where every family who has an 18-year-old son should get into this sort of an activity, and probably we could make a safer place in India. Well, I've been doing this since last 5 years. It's not only I've started saying it because my movie is about to release. I've been saying this since last 5 years that it should be important for every school to have 4 years or 5 years of self-defense programming as a subject in a school. And I've told not only everyone, but also Mr. Narendra Modi, our Prime Minister. Before he was the Prime Minister, I've spoken to him, and he has assured me that he is going to look in this matter, and he is going to try and do everything possible, because it is very essential for all the youth, all the children who are learning in school, to be disciplined. I think it is important, and it's a very good thing you picked up, and thank you very much so that I could answer this. Thank you. मिस्टर बिट्टा, आपसे सवाल है कि स्लीपर सेल्स की बात की गई है फिल्म में, कभी इन लोगों को कैसे पहचाने एक आम आदमी जिनके जिनके साथ चलते हैं वो हर रोजमर्रा की जिंदगी में, स्लीपर सेल्स के लोग? सबसे पहले जो अक्षय कुमार जी ने
मोदी जी का जिक्र करके बात कही, काफी देर पहले मेरी बात हुई थी अक्षय कुमार जी से। ये बहुत बड़ा काम है, इसराइल में भी ऐसा है, स्कूल में जब कॉलेज में स्टूडेंट जाता है तो उसको एक अवेयरनेस के लिए, डिसिप्लिन के लिए फौज में जाना पड़ता है। ये मुद्दा जो है बहुत बड़ा है और इसके लिए आपकी हमें मदद की जरूरत है। जब जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर हमारे स्कूल से कॉलेज में स्टूडेंट जाने से पहले एक साल के लिए उसकी फौज की ट्रेनिंग होगी तो उसके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा। जहां तक आपके मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि हम खुद अपने अंदर एक ऐसी अवेयरनेस पैदा करें। अब मैं, हम भी आपके सामने, हमारे बड़े लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, स्टूडेंट हैं जो इस टेररिज्म के ऊपर काम करते हैं, अवेयरनेस के ऊपर काम करते हैं। हमें खुद को एक मेहनत करना पड़ेगा कि हम इसके ऊपर सारे मिलकर काम कर सकते हैं। ये हमारा अपना कर्तव्य है। ये यही तो ये हॉलीडे मूवी बताती है, यही एक प्रेरणा देती है कि हमें सबको अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को कैसे निभाना है। यही चीज जो है सबके सामने वो जो आएगी तो जरूर उसके अंदर एक अवेयरनेस पैदा होगी। इसका मकसद ही यही है। अक्षय, आपसे भी जी, मैं ऑन द 6th आई एम हैविंग अ बिग ह्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां मैं आप सबको बताऊंगा कि ये स्कूल में अंदर क्या होगा। इट्स फॉर ऑल द वुमेन इन इंडिया टू कम एंड जॉइन द स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर सेल्फ डिफेंस। इट्स अ ट्रेनिंग फॉर अबाउट 3 months और बाकी बहुत सारी चीजें मैं उस दिन बताऊंगा। विपुल सर, हियर सुनीता फ्रॉम इंडिया टीवी। सर, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। जिस तरह से सब जानते हैं कि स्लीपर सेल्स को पकड़ा जाता है, इस फिल्म की ग्राउंड रियलिटी क्या होगी? या फिर सिर्फ एक सब्जेक्ट अच्छे मैसेज के साथ या एंटरटेनिंग मूवी बनाई गई है, एक ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो किस तरह की होगी? मैं समझा नहीं, ग्राउंड रियलिटी मतलब? एक जिस तरह से बताया जाता है कि चीफ जो होते हैं स्लीपर सेल के, बहुत ही मुश्किल होता है वहां तक पहुंचना, और स्लीपर सेल जो होते हैं उन्हें पकड़ना, क्योंकि वो एक ऑपरेशन के लिए एक्टिव होते हैं उसके बाद डीएक्टिवेट हो जाते हैं, तो उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है जिस तरह से बेटा साहिब का। तो ऐसे में फिल्म में दिखाया गया है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और उसके बाद स्लीपर सेल को पकड़ा जाता है, तो कितनी रियलिटी दिखाई गई, कितनी सच्चाई है फिल्म? मुर्गडॉस जी जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने इस पे काफ़ी रिसर्च किया है, और जब हम ये फिल्म बनाने शुरू हमने शुरू की थी तो हमने डिफेंस और भारतीय सरकार के डिफेंस और एंटी टेररिज्म में जो एडवाइज़र हैं श्री मारूफ रज़ा, उनसे भी हमने मुलाकात की थी। उनको हमने स्क्रिप्ट दिखाया था और उन्होंने भी ये कहा था कि जो रिसर्च मुर्गडॉस जी ने किया है वो बहुत ही सच्चा है, सच्चाई के बहुत करीब है, और इसी तरीके से ये पूरा ऑपरेशन होता है। जहाँ तक फिल्म का सवाल है, फिल्म एक नया मुद्दा, एक नए डायमेंशन को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पेश करती है, और यहाँ से आगे मुझे लगता है कि ये सिर्फ फिल्म की जिम्मेदारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। जैसे बिट्टा जी ने भी कहा कि हम सब अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करें तभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। मेरा सवाल अक्षय जी और विपुल जी दोनों से है। जैसे बिट्टा साहब ने कहा कि ये फिल्म शहीदों के बारे में है, शहीदों की फैमिली का जिक्र किया, उनके लिए कंसर्न किया, अगर फिल्म टैक्स फ्री हो जाती है तो क्या फिल्म का कुछ हिस्सा शहीदों की फैमिली को जाएगा? जी, वो बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैं कभी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता हूँ, और हमेशा हमारे यही कहना होता है कि चैरिटी करके अगर हम बोलें तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। मैंने ज़िंदगी में ये अपना हमेशा रखा हुआ है, मैंने आज तक कभी किसी को बोला नहीं कि क्या चैरिटी करता हूँ, क्या करूँगा और किसको क्या जाएगा। वो हमारे बीच में है और हम उसे अपने पास ही रखेंगे। इसके बारे में किसी को कहना नहीं चाहेंगे। Apparently this film has got the widest release possible, you know, 50 countries all over the world. Could you tell us more about it? How are you, regarding the distribution? Well, actually, Mr. Sanjeev Lamba is the best person to ask this question. But as a producer, all I can say is that we all have done great effort in this. We have got a team that is very excited, committed and passionate about the film. I think distribution is a straight result of the interest that people show in the film, whether it's nationally or internationally. What is the kind of interest, or what is, why it is so wide, maybe Mr. Lamba can explain better. Hi, I'm Sanjeev. I run Reliance Entertainment.
You have to have a film that you believe in to push it beyond the boundaries of normal distribution. Reliance is in a good place because we have offices in Toronto, in New York, in London, and a big global distribution agency called I Am Global out of LA that handles both Hollywood and Bollywood films. And once in a while, a film comes along that is very deserving to be seen as widely as possible. That is not the case for every film, right? So we are very, very excited about this film. We believe that not only, whereas commercial considerations are underlying, it's a business at the end of the day. Once in a while, a film comes along that is more than just a commercial proposition. It has a story that should resonate in a country like ours, a subject that is of vital importance, and a manner of telling that story that is very, very different from other films in the past. So we put a lot of effort behind this film. The 50 countries that you're referring to are only the countries that are going to open day and date, which means on Friday the film will be available in 50 countries. I believe that we don't stop after the first Friday because many countries go a little later than the first date of release. I fully expect that by the time the run of this film is over, we should be in 80, 90 countries in the next 6 months to 1 year. Okay, thank you. Akshay, you have been promoting self-defense and you know you have been going out there and saying that women should be able to protect themselves. But recent reports suggested that the tourism of India has dropped drastically because of the recent rape cases. What would you have to say about that? Well, I'm having a big, huge press conference for that on the 6th of this month at the Andheri Sports Complex. And we should talk about this in length and discuss about this because that's the whole program is about the self-defense for women. So I would request you if you can just ask me then, because then I can talk in length about it. Sonakshi, what about you? I mean, would you like to throw some light over it? Sonakshi, my question is to you. And although a lot of people have just been talking about the little bit of the boxing sequence in this film, but other than that, what are the other challenges that you were met with to take up the role in Holiday? Well, for starters, it's a completely, entirely new look for me, which you all have been asking me since I first started working in films. When will I break away from the Indian look I have in this film? That in itself is something new that I'm bringing to you. Other than that, I think personality-wise, the role was closest to me because I love playing sports. I am a sporty person. I've played a lot of sports in school and college, and I think it's just a continuation of that. And boxing is a small scene within this college girl who loves playing sports. Boxing happens to be one of them. So I think in a serious film like this, which is based on such an important subject, such a you know, intense subject, the lighter moments come within the love story, and that's where I come in. So, Sanjeev, here, would you be releasing this movie in Pakistan as well? Yes, it's releasing in Pakistan. Question to Akshay. You know, every time we talk about terrorism, the source of the same is traced back to Pakistan. Every time, whenever terrorist activities happen in India, the source is traced back mostly to Pakistan. So how right do you think would it be to blame the country? No, this is not anything got to do with India and Pakistan. It is nothing got to do. It has got to do with us, with the inner problems within India about the sleeper cells. We don't say where it comes from, how it comes, how it is born. But we say it is within our country. It happens with a lot of time. It is our people only that they have some problems with the government, and their way of revolting is by becoming sleeper cells and becoming, you know, harming the society. So that is how it has been told. And it has nothing got to with any country because we have no right to talk about any country. Coming back to your question on Pakistan, I mean, we had a lot of conversations. They were worried. There are two kinds of terrorism. There is cross-border terrorism and there's internal terrorism. And internal terrorism is as big a problem in our country as cross-border. This movie does not talk about cross-border terrorism. That was something that they were concerned about.
We showed the film early to them, and the film has gone through their pretty laborious censor process with no problems whatsoever. We are not trying to finger any country. We are not trying to finger any religion. We are just trying to make a movie about a problem that exists within the internal borders of our country. My question is to the director. So, what were the challenges that you faced while, you know, going through the research process of the film on sleeper cells? I have read lots of book about the sleeper cells, and I met a few officers and I discussed with them, and I have read a lot of article about the in the internet. I have read a lot of article about the internet international sleeper cells camp and how they are operating, so how they are involving in the one terrorism event. So that is the I did. This question is for the director. Sir, your last release was, you know, Gajini, it was a blockbuster. You have given, you are the one, I would say, who started that so-called 100 club, you know, 100 crore club in Bollywood. Now the expectation is very high from the holiday. You know, are you nervous, excited? What is the feeling going on, you know? Though the expectation is very high from your side, you are the one who have given blockbuster, Gajini. You are the one who have given 100 crore ka club in Bollywood. So, when I was doing Gajini, I didn't expect it's going to create a 100 crores club or benchmark anything. So, I just focused on my work. I wanted to do a good film. I worked hard and sincere. Like the same way I worked again in the holiday with not only me, my entire crew worked hard. My team worked hard. They put on their work, hard work on this film. I hope the film will reach beyond their people's expectation. Sonakshi, yeah. Movie mein aapne kaafi scene dikhaya jahan pe boxing karte to real life pe aapne kitne self defense sikhe aapne? Kya aap self defense sikh rahe ya kuch kar rahe ho? Boxing. In fact, main is film mein jab wo scene ke liye maine thodi bahut training Akshay sir se aur Vijender Singh se li thi. Mujhe itna pasand aaya ki aaj maine apne workout regime mein boxing ko add kiya hai. And it obviously helps us self-defense also. So, mujhe wo karte hue bahut maza aata hai aur acha bhi lagta hai. Hi, Akshay sir, Hari from Lavender News. Aur Bitta sir, aap se bhi jana chahenge. Jaisa ki aapne kaha ki ye film, holiday film, unke liye ek tribute jaisa hai jo ki barudon se khelte hain aur hamari raksha karte hain. To kya aap dono ka ya aap logo ka koi aisa plan hai ki un ilake mein ja kar ke un jawanon ko ye film dikhaye taki unka aur hausla afzai ho? से उन जवानों को तो अपने आप ही मतलब हमारी प्रिंटें वो सब कुछ जा चुकी हैं. दे आर ऑल गोइंग टू वॉच दिस फिल्म. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हमने द होल फिल्म इज डेडिकेटेड टू इंडियन आर्मी एंड द वे दे वर्क. इसमें कमाल का एक मैसेज है. मैं एक्चुअली कल ही फिल्म देख रहा था अपने परिवार के साथ और उसमें एक डायलॉग मेरे दिमाग में रह गया, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से शेयर करूँ. वो डायलॉग है कि कहते ऐसा क्यों होता है कि हम पुलिस वाले और आर्मी वाले ही आप सिविलियन के लिए जान दें. आप सिविलियन का कोई फर्ज नहीं होता कि आप भी कुछ करें थोड़ा बहुत. मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ी लाइन है कि वाकई में पीछे जितने भी पुलिस वाले हैं, ये आर्मी वाले हैं, कमांडोज हैं, इन्हीं का क्यों ड्यूटी रहती है कि अपनी जान बैठ के दें. सही बात है, सोचने वाली बात है. एंड दिस फिल्म इज जैसे मैंने कहा इट्स एब्सोल्युटली डेडिकेटेड टू आर्मी एंड टू ऑल द पीपल हु वेयर यूनिफॉर्म इन आवर कंट्री जस्ट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सो मेनी इविल थिंग्स एंड दैट्स इट. हाय मिस्टर मुर्गदास. हाय Akshay has said that he, after working with you, he realized that he doesn't know action because you apparently taught him how to dismantle and reconstruct a gun. Not him. No, not him. He didn't talk the fight coordinator, Greg Powell. Gun ke bare mein unko kuch nahi pata. Unko kuch nahi pata. But apparently you're the one who plans and Pata chale aapne unko gun de diya, bole abhi dismantle karke dikha dijiye. And he may just beat me up only now. No, but apparently also you are constantly, there's no better person than to plot to kill a man. You're always plotting and you have various schemes going in your head. How true is that? I mean, you're this very vicious
I will tell you. I mean, आपने बहुत चीजों को मतलब इनका दिमाग जो है अगर अभी ये बैठे हुए हैं यहाँ इस वक्त ये सोच रहे हैं अगर आपने इनको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा एंड ही इज अ लिटिल बिट फ्री सो ही विल बी थिंकिंग अबाउट हाउ ही कैन प्लॉट टू ब्लास्ट दिस प्लेस सो आई एम नॉट वेट द होल थिंग डजंट गेट ओवर देन ऑल्सो एट द सेम टाइम ही इज थिंकिंग हाउ माई हीरो विल सेव इट दैट ऑल्सो कम्स अलॉन्ग विद इट बिकॉज ही आई नो हिम सी आई हैव सैट विद हिम For 90 days, I shot with him, and all the time he comes up with some idea or the other. He's narrated me so many scripts, so many ideas. Sir, you know, one thing I thought, please sit here. Sir, I was just thinking when I was sitting here in the ship, blah, 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 and blah, blah, blah. And I was just thinking, Sara din ye aadmi kuch na kuch script ke liye. He's always thinking about some or the other script or some or the other plot. If you watch all his past movies, just bring all his past movies in Tamil and Hindi. They all have some or the other plots. If you see his very old film, sir, when did you make Ramanna, sir? 10 years back, he made a film called Ramanna. And you have to see that film. And I got that rights. We got the rights from him and we made a film called Gabbar now. That is the same film. Beautifully written at that point. At that point, he had thought about how to change the system, how violently to change the system, by the way. And that is, am I right, sir? So you can't deny the fact that 10 years back you thought all these things. This is spoiling your name. Hey, yo, sir. Sir, you can't say that, sir. I'm spoiling your name. I'm very petrified to ask you any more questions. I think Akshay, please talk. Would you want to comment on it? In his defense, I think he's a very peace-loving man, a very shant man. See how quietly he's sitting now. He's nothing like how he has described. No, it. But he's thinking apparently. Yeah, no, he's a very creative man. He thinks creative of, is what yeah. I was talking about. I don't say he really actually wants to hit everybody. Akshay, also was this creatively satisfying for you when talking about creative? You know, you've always been. Pretty blatant about the fact that you enjoy being the commercial hero and entertaining people. You've been blatant about that. You said you enjoy doing commercial films and you know how to entertain people. So, you know, somewhere do you think this film, you've always said I select sometimes films where I can have a bit of more, content and entertainment. So would you now also, was this particular movie very creatively satisfying as an actor for you? It is indeed. It is very much creatively satisfying. And it is not one of my commercial masala Akshay Kumar film. It is very much a very intellectual, interesting Murgudos's film. So I think that's the difference between any of my other films and this film. So naturally, did you enjoy getting wooed by the man in uniform? Men, women usually love men in uniform. Was that interesting as well? Yeah, of course. I think men in uniform are very, very attractive, and they have a certain authority about them. And this time around, it was nice being wooed by a man in uniform. Yeah. Yeah. We'll just take one last question from the gentleman here. My when it's said that it's the last question, I thought I could put in a suggestion across to Mr. Bitta. Sir. Question is to you. If you're aware of it, all the MBBS students after they finish their 4.5 years of study has to go for 1 year's rural practice to the villages or in the rural areas. Now, I would like you to go and meet the education minister straight away tomorrow and say that everybody who's taking an admission to the college at the age of 16 should spend 2 years of their thing and in some sort of a self-defense or a defense cell from a 17-year-old child when the moment he is 2 years in college should get into it, otherwise he doesn't get his graduation certificates. So that could be something where you can really force them because... क्योंकि सर बहुत लोग हैं जो 16-17 साल के हैं who are interested in doing all this thing but they do not know where to get in touch with देखो मैं एक चीज आपको बताऊं कि अब वक्त आ चुका है
अगर आज मुझे इस चुनाव से पहले ऐसा सवाल पूछते मैं शायद जवाब ना आपको दे पाता। पंजाब में जब टेररिज्म था पुलिस गोली का जवाब गोली देती रही, बहनों के सुहाग उजड़ते रहे, बच्चे यतीम होते रहे, और हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बने तिरंगे झंडे वंदे मातरम बोलते हुए ज्वाइंट हैंड अगेंस्ट टेररिज्म, वार अगेंस्ट टेररिज्म, हम वो जंग 25 साल पंजाब के अंदर लड़ते रहे। 18 साल 19 साल 20 साल के स्टूडेंट होते थे जो हमारे साथ निकलते थे। इतने ब्लास्ट हुए, इतनी गोलियां चली। अगर मेरे से कोई सवाल पूछता है पहला ब्लास्ट कब हुआ तो मैं फख्र से कहता हूं पहला बम ब्लास्ट आजादी के तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए 82 में हुआ। तो आज वो वक्त आ चुका है, काफी पिछला जो समय गुजरा है 10 12 14 साल का अवेयरनेस नहीं रही थी, हर व्यक्ति अपने अपने काम में बिजी था। आज एक वक्त आ चुका है, मूवी भी उसी टाइम पे रिलीज हो रही है, नरेंद्र मोदी भी उसी टाइम पे बने हैं जिनके अंदर एक जज्बा है, जैसे अभी बताया सुबह ही सुन रहा था, ये एक शुरुआत है। तो मैं बिल्कुल आपको ये मैं गारंटी देता हूं कि हमारी ये कोशिश होगी कि जो भी स्कूल से कॉलेज में स्टूडेंट जाता है वो फौज में जरूर जाए, और हम एंटी टेररिस्ट फ्रंट की तरफ से भी पूरे गांव में जाके अब कैंप लगाने वाले हैं इस पिक्चर को दिखा करके। उसके बाद ये जो मूवी है हम गांव-गांव में जाके दिखाएंगे, जहां कोई नहीं देख पा रहा, कोई शहर में नहीं आ पा रहा, उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। क्योंकि ये जो मूवी बनी है ये कोई छोटी सी मूवी नहीं है, ये हमारे लिए एक आदर्श, हमारे लिए एक प्रेरणा, युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा होगी। इसको लेके मैं गांव-गांव तक जाऊंगा कि हमें आगे और क्या करना है। थैंक यू। सर सामने देखिए फोटो हो रहा है। अक्षय सर अक्षय सर अक्षय सर अक्षय सर अक्षय जी सामने से अक्षय सर अक्षय सर अक्षय सर सोनाक्षी जी अक्षय सर अक्षय सर सोनाक्षी जी अक्षय सर अक्षय सर सोनाक्षी सोनाक्षी जी सोनाक्षी जी एक आप दोनों जन जाए सोनाक्षी सोनाक्षी यहाँ पे आ अक्षय सोनाक्षी सर अक्षय अक्षय सोनाक्षी